रहे तैयार, झारखंड में होने वाला है ठंड का प्रचंड वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल फॉर ऑल न्यूज चैनल। इसी प्रकार से धनबाद के नए और ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। ठंडक धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। सुबह सुबह कोहरा छाने लगा है और रात में भी ठंड बढ़ने लगी है। रविवार सुबह धनबाद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा दिखा। पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा और संताल के सभी जिलों में कमोबेश मौसम धनबाद जैसा ही है। शनिवार को सुबह देर तक कोहरा छाया रहा और शाम ढलने के बाद ठंड ने भी तेवर दिखाए। अगले कई दिनों तक सुबह कोहरा या धुंध छाने और शाम ढलने के बाद तापमान में गिरावट को लेकर मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर तक हर रोज 1 डिग्री तापमान गिरेगा। उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। शनिवार को रात का तापमान 14 डिग्री पर रहा। रविवार को इसके 13 डिग्री पर जाने की संभावना है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री पर रहेगा। हिमालय से आने वाली हवाओं की वजह से बढ़ रही है ठंड। मौसम में ठंडक बढ़ने की वजह हिमालय से आने वाली सर्द हवाएं हैं। तमिलनाडु में बने साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से उस ओर से आने वाले बादल और हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवा के मिलने से कोहरे और धुंध की स्थिति बन रही है। मॉनसून के अध्ययनकर्ता डॉक्टर SP यादव का कहना है कि तमिलनाडु में साइक्लोन सर्कुलेशन बने रहने तक धनबाद का मौसम बदलता रहेगा। उस ओर जाने वाले बादल यहां हिमालय से आने वाली सर्द हवा से मिलेंगे, इससे ठंड का असर कम रहेगा। मौसम की यह स्थिति 20 नवंबर तक बने रहने की संभावना है। आप देख रहे हैं ऑल फॉर ऑल न्यूज़ चैनल। इसी प्रकार से धनबाद के नए और ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़।